तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं आप जोर से पढ़ें। नॉलेज इज, आप बिलीव करते हैं, कितने लोग कहते हैं हाथ उठाएं एक बार कि नॉलेज इज, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अगर कुछ है तो यह है। पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ झूठ आपकी खोपड़ी में से जा चुके हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पैसा छोड़ देना बहुत आसान होता है, लोग अपना ज्ञान कभी नहीं छोड़ते। आप पैसे का डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको बोल देना कि आपके पास जो नॉलेज है वो साला बकवास है, उसको छोड़ दो, आदमी कहता है ये नहीं छोड़ सकता। मेरी नॉलेज से बढ़कर इस दुनिया में पैसा आदमी दे देगा। नॉलेज छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। नॉलेज इज पावर। ये सब जानते हैं, सब जानते नहीं हैं, मानते भी हैं। Are you with me? चलिए, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कौन आदमी इस कैंपस में है जिसको नहीं पता? इट्स अ सिंपल नॉलेज, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर सिगरेट केस के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि नहीं? Yes. तो पता होने से क्या लोग पीना बंद कर चुके हैं? मस्त पी रहा है, दो दो डब्बा निपटा रहा है, खैनी रगड़ रहा है, आंदो आंदो कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, टू गिव मी अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, क्या उसको नहीं पता कि ये खराब है? कम ऑन एवरीबॉडी, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कौन कमीना नहीं जानता? मेरे शब्दों पे मत जाना, है ना, थोड़ा सा मैं ब्लंट हूं यार, है ना, भाव समझने का प्रयास करना दोस्त। 30 ml 60 ml रोज रात को चालू होता है, डेली पैसेंजर है, कभी दोस्त के नाम पे, कभी धंधा अच्छा हो गया उसके नाम पे, धंधा अच्छा नहीं हुआ, मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया नहीं है, पीने वाले को पीने का भाव। अच्छा मुझे बताओ, इस धरती पे ऐसा कौन प्राणी है जिसको पता है कि ये खराब चीज है? Everybody knows. तो ladies and gentlemen, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है, अब मुझे बताओ कौन कमीना नहीं जानता? कुछ छुपी हुई कहानी है ये। सुबह सैर करने के लिए क्या चाहिए आपको? अमीर होना, एडिडास का जूता चाहिए? हाँ नहीं, अ रिच कैन डू, अ पुअर कैन डू, a Hindu can do, a Muslim can do, a Sikh can do, a Christian can do, anybody from any field, बड़े हैं छोटे हैं काले हैं गोरे हैं, anybody can do, but the question is क्या सब करते हैं तो आंसर आएगा no. So lesson number one, knowledge is not power. आपको क्या पता है इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। Knowledge plus action is equal to power. Knowledge is not power. आप क्या जानते हैं उससे आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। मैं बड़ा हुआ हूं मिडिल क्लास फैमिली में, मैंने आसपास के लोगों को डायलॉग मारते बतेरी बार देखा, हमें मत बताओ हमें सब पता है, हमें मत बताओ हमें, बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो हमारा तजुर्बा है। मैं आपको बता दूं, इस चचा के अकाउंट में 100 रुपया नहीं है, ये एटीएम में एटीएम कार्ड डाल रहा है तो -50 की पर्ची आ रही है, लेकिन डायलॉग में हमारे बाल यूं ही धूप में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे डायलॉग डिलीवरी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनके डायलॉग और बैंक बैलेंस मैच नहीं कर रहे, और ये बात समझ के राजी नहीं है, इनको ये पता ही नहीं है कि दुनिया बदल। स्पीकर स्टेज पर आए मेरे ही जैसे, कई सेमिनार था ऐसे हजारों लोगों का, उन्होंने अपनी स्पीच देनी शुरू करी, और बोलते बोलते उनके मुंह से क्या निकल गया जानते हैं? कि इंसान पहले बंदर था, इंसान पहले बंदर था। तो कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि अच्छा हमको तुम बंदर कह रहे हो, और तो हंगामा तक तो ठीक था, उसकी पिटाई हो गई, आपस में दो गुट लड़ने लगे कि नहीं ठीक कह रहा है, पहले इंसान बंदर था।
जूतम पजाम हो गई, मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, सेमिनार की ऐसी की तैसी हो गई। कुछ लोग सेमिनार छोड़ के, कुछ बच गए जो रिलेट कर रहे थे कि नहीं बंदा बात। तो उसने बोला आप कैसे कह सकते हैं इंसान पहले, और अगर इंसान पहले बंदर था तो आज बंदर क्यों नजर आते हैं? तो वो बोला कि जो बंदरों ने बदलने से इनकार कर दिया वो आज भी बंदर रह गए, जिन बंदरों ने बदलने से इनकार कर दिया वो आज भी बंदर रह गए, और जो बंदर बदलाव कर गए वो इंसान हो चुके हैं। तो बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड लोग अपनी नॉलेज की गुत्थी को इतना टाइटली अपनी अंटी में लगा के बैठे हैं कि जो पता है हमें पता है, हम ही हम हैं, न भूतो न भविष्यति, न हमसे पहले कोई योद्धा आया है, ना हमारे बाद कोई दुनिया में पैदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले आपका एक इल्यूजन दूर करना चाहता हूं यहां पर कि नॉलेज इज नॉट पावर। जो आपने 10 साल पहले सीखा था आज के युग में रेलिवेंट नहीं है। कभी कभी एवरीडे सब कुछ बदल रहा है, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। सुबह सैर करने से सेहत अच्छी होती है, एवरीबॉडी नोज। उससे सेहत अच्छी नहीं होती कि आपको पता है, एग्जीक्यूशन से अच्छी होती है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। संसार इस बात के पैसे नहीं देता कि कोई आदमी कितना जानता है, संसार इस बात के पैसे देता है कि वह अपने ज्ञान के साथ एक्चुअली में कर क्या रहा है। नॉलेज इज नॉट पावर लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। नॉलेज प्लस एक्शन, आपको क्या पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाने का प्रयास करूंगा, दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। नोइंग एंड डूइंग बोथ आर डिफरेंट थिंग, लेट मी एक्सप्लेन। नोइंग एंड डूइंग बोथ आर, आपको पता है और आप करते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। एक गमला रखा है और एक पॉट रखा है जिसमें आप पानी, आपको पता है कि गमले में पानी देने से पौधा, ये आपको पता है लेकिन कर नहीं रहे, पौधा नहीं आएगा। पौधा कब आएगा? नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पावर। नीचे एक लाइन लिखी है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्पिरेशन कैन बिकम बिगर देन इनोवेशन। ये बड़ी खतरनाक लाइन है, आप नोट जरूर करें। एग्जीक्यूशन ऑन इंस्पिरेशन कैन बिकम बिगर देन इनोवेशन। जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले कोई काम किए हैं इसलिए शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इनिशिएटर हैं इसलिए टॉप पर पहुंच सकते हैं। जरूरी यह है कि आप एग्जीक्यूशन में मास्टर हैं या